हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आई एम अभिषेक एंड यू आर वाचिंग रेसलिंग बुक्स। तो आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं WWE का जो आज सुपर शोडाउन इवेंट हुआ, उसमें जो जो मैचेस हुए हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आप ये इस वीडियो को पूरा देखिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर ही लीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमारी सारी नोटिफिकेशन जो हम अगला वीडियो बनाएंगे वो आपके पास चला जाएगा। तो इसमें पहला मैच हमें द न्यू डे वर्सेज द वार के बीच देखने को मिला। ये मैच बहुत ही अच्छा था। शुरू में द वार ने डोमिनेट किया, फिर द न्यू डे ने इस मैच को डोमिनेट करके इस मैच में विजेता रही। फिर दूसरा मैच हमें देखने को मिला चार्लेट फ्लेयर वर्सेज बेकी लिंच के बीच। ये मैच शुरू में तो अच्छा चला, अच्छा मैच था। शुरू में दोनों रेसलर की तरफ से अच्छा मूव्स देखने को मिला, लेकिन लास्ट में बेकी लिंच डिस्क्वालिफिकेशन के जरिए हार गई और चार्लेट फ्लेयर जीत गई। फिर तीसरा मैच हमें देखने को मिला बॉबी लेस्ली वर्सेज बॉबी लेस्ली एंड जॉन सीना वर्सेज केविन ओवेंस एंड एलायस के बीच। ये मैच भी अच्छा था। जॉन सीना ने अपना रिटर्न किया सुपर शोडाउन में और अच्छा मूव्स किया और इस मैच में जीत हासिल की। फिर चौथा मैच हमें देखने को मिला द आइकॉनिक्स वर्सेज नेओमी एंड ऑस्का के बीच। द आइकॉनिक्स यहाँ पर होम टाउन था इनका, इसलिए यहाँ पर इनको क्राउड रिएक्शन अच्छा था, इसलिए मुझे लगता है ये WWE ने उन्हें जिता दिया और इनमें द आइकॉनिक्स जीत गई। और अच्छा इनके लिए भी है क्योंकि बहुत दिनों बाद इन्हें जब से NXT से आई हैं तब तक तो इन्हें अच्छा नहीं मिला था, लेकिन अब वो जीत चुकी हैं तो आगे उन्हें अच्छा मौका मिलेगा। फिर अगला मैच हमें देखने को मिला द फिनोमिनल AJ स्टाइल्स वर्सेज समोआ जो के बीच। ये भी एक ज़बरदस्त मैच था और इसमें कहना होगा कि लाजवाब मूव थे सब दोनों तरफ से, लेकिन समोअन सबमिशन मशीन को AJ स्टाइल ने सबमिट करवा के हरा दिया और AJ स्टाइल जीत गए। फिर अगला मैच हमें देखने को मिला द रायट स्क्वाड वर्सेज बेला ट्विंस एंड रोंडा राउजी के बीच। ये मैच तो शुरू में बेला ट्विंस ही लड़ती दिखी, रोंडा राउजी को कम मौका मिला, लेकिन लास्ट में उन्हें मौका मिला और वो सारा लोगन और उनकी एक साथी उन्हें दोनों को आर्म बार देकर इस मैच में जीत हासिल की। मुझे पहले से ही पता था कि ये मैच रोंडा राउजी हारने वाली नहीं है और वही हुआ, वो जीत गई। फिर अगला मैच हमें देखने को मिला क्रूजवेट डिवीजन से क्रूजवेट चैम्पियनशिप के लिए सेड्रिक एलेक्जेंडर वर्सेज वडी मर्फी के बीच। वडी मर्फी भी यहाँ पर होम टाउन था तो क्राउड रिएक्शन भी इन्हें अच्छा मिला और सभी क्राउड इन्हें चाहते थे कि यही जीते और हुआ भी यही जीते और नए क्रूजवेट चैम्पियन बन गए। फिर अगला मैच हमें देखने को मिलता है द शील्ड वर्सेज ब्रॉन स्ट्रोमैन एंड डॉल्फ जिगलर एंड ड्रू मैकइंटायर के बीच। इस मैच से पहले सबको लग रहा था कि डीन एम्ब्रोस का हील टर्न होगा, बहुत रूमर आ रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैच के बीच में रोमन रेंस ने सुपरमैन पंच डीन एम्ब्रोस को मारा तो सभी फैंस को लगा कि डीन एम्ब्रोस का हील टर्न हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं और डीन एम्ब्रोस ने लास्ट में डर्टी डिश मार के डॉल्फ जिगलर को पिन करके इस मैच में जीत हासिल की। फिर अगला मैच हमें देखने को मिला No. 1 कंटेंडर फॉर वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियनशिप के लिए और इस मैच में बड़ी ही चालाकी से डेनियल ब्राइन ने जीत हासिल कर ली। उन्होंने बड़ी ही चालाकी से इस मैच में जीत हासिल कर ली और अब वो क्राउन ज्वेल में AJ स्टाइल्स को फेस करने वाले हैं फॉर
वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियनशिप के लिए। इस मैच में मुझे लगता है द मिज और समोआ जो भी जुड़ने वाले हैं, क्योंकि मिज तो टेक्निकली हारे हैं लेकिन चालाकी से मिज जीते हैं, और समोआ जो को रीमैच मुझे लगता है मिलेगा, या समोआ जो अटैक कर देंगे एजे स्टाइल्स पर, तो इनका मैच हमें देखने को मिल सकता है फेटल फोर वे फॉर वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियनशिप इन क्राउन ज्वेल। और अब आता है मेन इवेंट इस शो का, सुपर शोडाउन का। ये मैच कहना होगा कि मेन इवेंट रहने लायक था और बहुत ही लाजवाब मैच था। इसमें सभी सुपरस्टार इन्वॉल्व होते हुए देखे गए, और जब रेसलमनिया के पूरा जो मेन इवेंट था उसे दोहराया गया, जब शॉन माइकल्स ने सुपर किक स्विट चैन म्यूजिक मारा और फिर ट्रिपल एच ने अपना पेडिग्री दिया और मैच को जीत लिया। शुरू में लगा कि ये मतलब मैच मुझे लगता है नहीं होगा, लेकिन फिर पता चला कि अंडरटेकर ने दोनों को मतलब ट्रिपल एच और इसको शॉन माइकल्स को थॉम्सटाउन पाइल ड्राइवर देकर क्राउन ज्वेल में नींव रख दी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद।